नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आजम खान एक ऐसा नाम जो किसी के लिए मसीहा है तो किसी के लिए उसको विलन बना दिया गया, लेकिन आजम खान साहब के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। और राहत की खबर इस बार इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी है और वहीं पर एक तरह से करारा तमाचा लगा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये दिख रहा है कि वो आजम खान साहब के पीछे हाथ धो करके पड़ी है। लेकिन किस तरह से ये बड़ी खबर आई है, और आजम खान साहब जिस जौहर यूनिवर्सिटी के लिए लगातार लड़ते रहे, उस यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ा जाना था, लेकिन उस गेट के तोड़ने के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ये खबर आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की ये खबर है। आजम खान को राहत, जौहर यूनिवर्सिटी का गेट नहीं तोड़ा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। तो रामपुर कोर्ट ने आदेश दिया था, इससे पहले एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसको बहाल रखा था रामपुर कोर्ट ने, और अब रामपुर कोर्ट के आदेश के ऊपर रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को नहीं तोड़ सकते। ये गेट है, फुल स्क्रीन एक बार आप देखिए कि ये गेट है, और ये इस गेट को लेकर के लगातार, इस यूनिवर्सिटी को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार की निगाहें आजम खान के ऊपर टिकी हुई, और लगातार ये प्रयास हो रहा है कि किसी न किसी तरह से इस यूनिवर्सिटी को, इस गेट को यहां से तोड़ा जाए, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई। ये खबर आप देखिए, सपा नेता सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। गेट को तोड़ने के आदेश रामपुर की एक अदालत ने 2 अगस्त को दिया था। हाईकोर्ट ने इस बार यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। तो ना केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार से रिपोर्ट भी मांग ली है। और किस तरह से इस गेट को लेकर के आजम खान साहब पर जो है वो भारी मुकदमा लगाया गया था, वो भी आपको बताते हैं। रामपुर के जनपद न्यायाधीश गौरव कुमार श्रीवास्तव ने जौहर विश्वविद्यालय का गेट तोड़ने के एसडीएम कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। इस मामले में आजम खान पर करीब 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 3.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे जिला अदालत ने घटा करके 1.63 करोड़ रुपए कर दिया था। जुर्माना की राशि वसूलने के लिए पीछे दिनों आजम खान के घर के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया था। आजम खान के घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया था कि आपसे इतना पैसा की उगाही करनी है। और किस तरह से आजम खान को गिरफ्तार किया गया था, ढोल नगाड़े बजा करके जो है वो मुनादी करके सब कुछ हुआ था। सब कुछ जो है वो लगातार हो रहा है, और लगातार आजम खान को जो है वो टारगेट पर योगी आदित्यनाथ की सरकार रख करके चल रही है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजम खान को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आजम खान एक जाना पहचाना नाम है, और आजम खान के नाम को इस्तेमाल करके लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार वो एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, भले ही इस बात को कोई स्वीकार ना करे, लेकिन ये इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता कि आजम खान के बहाने जो एक कार्रवाई हो रही है, चाहे इसमें आजम खान हो, अतीक अहमद हो, तो इस तरह के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो है वो 2022 के चुनाव को भी साधने की कोशिश है। लेकिन ये खबर आप आगे देखिए, जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट को तोड़ने का मामला करीब 2 साल से सेशन कोर्ट में विचाराधीन था। एसडीएम सदर ने 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय के गेट को तो अवैध मानते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद में सपा सांसद आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में शरण ली गई थी। हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई, उसको खारिज करते हुए सेशन कोर्ट में जाने की छूट दी, जिसके बाद में मामला सेशन कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने गेट तोड़ने के एसडीएम के आदेश को बहाल रखा। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की ओर से दाखिल अपीलों को खारिज कर दिया था। लेकिन अब आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक राहत भरी खबर जो है वो आजम खान के लिए आई है। लेकिन देखिए, सवाल ये है कि आजम खान के लेकर के हमने अभी पिछले हफ्ते आपको खबर बताई थी, और खबर ये थी कि किस तरह से आजम खान के ऊपर जो है वो करीब करीब जो है 104 मुकदमे दर्ज हैं, और 104 मुकदमों में से 75 मुकदमों में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी भी वो जेल में है, वो भी जेल में है, और उनके बेटे उनके साथ वो भी जेल में है,
उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया था, हालांकि उनकी पत्नी को अब बाद में छोड़ा गया, लेकिन उनके बेटे और वो दोनों अभी सीतापुर जेल में बंद है। तो किस तरह से लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार आजम खान को लेकर के निशाना बना रही है, और इसी को लेकर के जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया था, लेकिन सब कुछ हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक भी कह दिया था आजम खान को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया था कि आप कब तक आजम खान को जेल में रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। ये जो है वाकई अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि किस तरह से एक नेता को जो आपके विपक्ष में है आप उससे कैसी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष में तो कभी ना कभी आप भी आएंगे, आप हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे, ये बात तो सब जानते हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी सांसद विधायक हो वो हमेशा सत्ता में नहीं रहता है, उसको भी एक समय के लिए रहना पड़ता है, उसके बाद में वो विपक्ष में भी जाता है। और आजम खान की तबीयत आप देखिए, ये तस्वीरें अभी आजम खान की अस्पताल से जारी की गई थी, इन तस्वीरों को देख करके आपको लगता नहीं है कि आजम खान साहब को जमानत मिलनी चाहिए, उन्होंने क्या गलत किया है क्या सही किया है उसके लिए कोर्ट फैसला देगी, लेकिन ऐसे समय पर इतनी खराब हालत में भी आजम खान को जेल में रखना क्या वो सही है, और क्या एक खास एजेंडे के लिए, क्या एक खास रणनीति के लिए आजम खान को जेल में नहीं रखा जा रहा, ये सारे अहम सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब तक आप जेल में रखेंगे, और उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से स्टे लगाई है, और जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो खास है आजम खान के लिए, आजम खान बेहद अपने दिल के करीब मानते हैं इस यूनिवर्सिटी को, और उस यूनिवर्सिटी का गेट बचना ये कहीं ना कहीं जो है वो आजम खान को बड़ी राहत की बात है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आजम खान के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद में चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसको लगातार जो है वो नकारने का काम कर रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये सब कुछ जो है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, एक राजनीतिक साजिश के तहत जो है वो आजम खान को जेल में रखा गया है, या आपको लग रहा है कि नहीं आजम खान ने वाकई जो किया था उसकी सजा जो है वो आजम खान भुगत रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से आजम खान को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार हमलावर है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको रामगढ़ के क्षेत्र में और पश्चिमी यूपी में खास करके उसको भुगतना पड़ेगा। और जितने भी एक मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक उसको कहा जाए, अल्पसंख्यकों के जितने भी वोट हैं, उसमें भी आजम खान साहब का जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़ा नाम है। और इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार को जो है वाकई चुनाव के अंदर जो फायदा वो सोच रहे हैं, हो सकता है कि उतना जो है उसका डबल नुकसान हो जाए। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।